हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम टू मैथ सक्सेस। तो बच्चों, मैंने इससे पहले अपनी क्लास में आप लोगों को वैदिक मैथमेटिक्स की 3 ट्रिक बताई थी। तो आज हम लोगों की सेकंड क्लास है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी तरीके से। आप लोग इस ट्रिक का यूज करके किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकेंड में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको इसको पेशेंस के साथ सुनना है, देखना है, आप तभी वैदिक मैथमेटिक्स सीख पाओगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, हमारे पास 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए 3 ट्रिक होती है। सबसे पहले तो आप जिस डिजिट को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो उनकी संख्या और 9 की संख्या सेम हो। मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स है 9, और ये डिजिट भी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। यहाँ पर देखो 9 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। डिजिट भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। यहाँ क्या है, 9 4 टाइम्स, ये डिजिट भी कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो ये एक ट्रिक है। दूसरी ट्रिक क्या है, 9 ज्यादा हो और जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या हो, कम। जैसे यहां पर 9 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ये डिजिट कितना है, 2। यहां पर 9 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, यहां पर डिजिट कितने हैं, 3। अब थर्ड ट्रिक क्या है बच्चों, कि 9 कम हो और जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो डिजिट क्या हो, ज्यादा हो। जैसे यहां 9 कितने हैं, 2, ये डिजिट कितने हैं, 3। 9 क्या है, 2, डिजिट कितने हैं बच्चों, 3। 9 क्या है, 3, डिजिट कितने हैं, 4। तो ऐसे 3 ट्रिक है। तो चलो हम लोग फर्स्ट ट्रिक से सीखते हैं। तो बहुत इजी है, सिर्फ आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखो, सेम डिजिट ना, सेम नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए। तो फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पर आपका नंबर लिखना है उसमें 1 माइनस कर दो। यहाँ क्या लिखा है, 72। 72 में 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 71। तो यहाँ लिख दो 71। अब इससे पहले ये वाले डिजिट को 9 से माइनस कर देना है, जो लास्ट डिजिट है उसको 10 से माइनस कर देना है। इसको आप 9 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2। इसको आप 10 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये आपका आंसर है। सेम सेकंड में आते हैं, यहां क्या लिखा है, 5 9 8। इसमें 1 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 5 9 7। हमेशा आप ये याद रखना है, लास्ट वाले को 10 से माइनस करना है, बाकी सबको 9 से करना है। इधर जितने भी होंगे उनको 9 से माइनस करना है, लास्ट वाले को सिर्फ 10 से माइनस करना है। तो चलो 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा बच्चों, 2। तो ये आपका आंसर है। सेम नेक्स्ट, चलो इसमें 2347 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 4 6। अब चलो इसको किससे माइनस करना है, 9 से। इसको भी 9 से, इसको भी 9 से, इसको किससे माइनस करना है बच्चों, 10 से। तो चलो 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 7। 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, 10 माइनस 7 3। तो ये आपका आंसर है। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसको आप बनाएंगे। इसी ट्रिक में अगर किसी नंबर में 0 लगा है लास्ट में, अगर आपके पास कोई 0 वाला नंबर है और वो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है मल्टीप्लाई करने में। ट्रिक वही है, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, करते क्या है, सबसे पहले ये जो डिजिट गिवन है उसमें 1 माइनस करते हैं। तो इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 549। अब क्या करते थे बच्चों, इसको 9 से माइनस करते थे, इसको 9 से, इसको 10 से। तो अब आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाले है, जो 0 है, उसको आप 10 से माइनस नहीं करोगे। आप इसको अभी के लिए यहां से हटा दो, सीधा आप अप्लाई करोगे इसमें, इसको 9 से करोगे और ये इसको किससे करोगे, माइनस 10 से। यहाँ 0 था, इसको ऐसे ही रहने दो। 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5। और ये जो 0 बच रहा है इसको आप अलग से यहाँ लगा दो।
तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इसमें भी देख लेते हैं, 430 इसको आप 1 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 429। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 9 से, अब इसको 9 से नहीं, इसको डायरेक्ट 10 से कर देंगे क्योंकि यहां पर क्या है, 0 है और 0 को हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं, तो उससे पहले वाले डिजिट को 10 से माइनस करेंगे। तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 5, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, और ये जो 0 बच रहा है उसको आप अलग से यहाँ पर अप्लाई कर दो। जो अब हम लोग देखते हैं इसी की सेकेंड ट्रिक, जब 9 आपके ज्यादा हो और जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उनकी संख्या क्या हो, कम हो। जैसे देखो यहाँ पर 9 कितने हैं, 3 टाइम्स है और ये कितना है, 2 नंबर्स हैं, है ना, 2 डिजिट नंबर है और 9 कितना है, 3 डिजिट नंबर है। तो चलो ये भी सेम वैसे ही है बच्चों, सब सिर्फ इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ जितने 9 है उतना, जितना भी कम पड़ रहा है उतना आपको यहाँ 0 लगा देना है। यहाँ कितने 9 है, 3 9 है, यहाँ पर कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, कितना 9 कम है, 1 9 कम है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब सेम मेथड सेम है बच्चों, 58 में 1 माइनस करो कितना आएगा, 57। अब इसको माइनस कर देना है 9 से, इसको माइनस कर देना है 9 से, इसको 10 से, लास्ट वाले को 10 से करना है, बाकी जितने भी इधर है उसको किससे करना है, 9 से। तो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 8 2, तो ये आपका आंसर है। सेकेंड में आते हैं, अब देखो बच्चों यहाँ पर कितने हैं, 9 4, यहाँ पर कितना डिजिट है, 3, कितना 0 चाहिए, 1 0 चाहिए क्योंकि यहाँ पर 4 है यहाँ 3 है, तो 0 को यहाँ लगाएंगे। तो चलो 237 में 1 माइनस करो सबसे पहले, कितना आ जाएगा 236, तो 236 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब इसमें माइनस कर देंगे 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9 और इसमें क्या माइनस करेंगे बच्चों, 10। सो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 10 माइनस 7 3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो यहाँ पर टोटल 4 9 है, यहाँ पर कितने डिजिट है, 2, मतलब 4 है तो हमको यहाँ पर 2 है तो क्या चाहिए, 2 और चाहिए, तो 20 यहाँ पर और लगा देंगे। अब 42 माइनस 1 करो बच्चों कितना आ जाएगा, 41। अब इसको माइनस करेंगे 9 से, इसको भी 9 से, यहाँ 9, इसको किसे करेंगे, 10 से। 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4 5, 10 माइनस 2 8, तो ये आपका आंसर है और ये आपका होमवर्क है। बच्चों अब हम लोग देखते हैं थर्ड ट्रिक, तो बच्चों थर्ड ट्रिक थोड़ी सी अलग है तो आप लोग इसको ध्यान से देखना, पर ये भी इजी है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो बच्चों देखो थर्ड ट्रिक में क्या है, 9 कम होने चाहिए, तो बच्चों 9 अगर कम हो तो हम लोग इसको इक्वल करने के लिए इधर 0 नहीं लगा सकते, हम लोग कभी भी 9 में 0 नहीं लगा सकते। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, जब 9 कम हो और जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिजिट क्या हो, ज्यादा हो, तो इसके लिए हमको क्या करना है बच्चों, देखो इसकी ट्रिक क्या है। सबसे पहले यहाँ 2 9 है ना, तो ये 2 डिजिट को अलग कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, 4, तो सबसे पहले बच्चों 4 में 1 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 5। तो आपको क्या करना है, उस 5 को इस डिजिट से माइनस कर देना है। अब 5 को इससे माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 420। फिर क्या करना है, अब सेम देखिए 2 डिजिट अलग छोड़ा था ना हमने, इसको माइनस कर दो 9 से, इसको माइनस कर दो 10 से। सो 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 7। 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 5, ये आपका आंसर है। एक और देखते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ये भी बहुत इजी है बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। अब देखो यहाँ पर 2 टाइम्स है 9, यहाँ पर कितने डिजिट है, टोटल 4 डिजिट है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ 9 2 टाइम्स है ना, तो ये दोनों को अलग कर दो, ये दोनों को अलग रखो।
अब 52 में प्लस 1 कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 53। तो उस 53 को इस पूरे से माइनस कर देना है। आप 53 को इस पूरे से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5181। अब क्या करना है, से इसको माइनस कर दो, जो अलग किया था सिर्फ उसमें अप्लाई करना है। इसको माइनस कर देंगे 9 से, लास्ट वाले को किससे माइनस करेंगे बच्चों 10 से। सो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो 29 है तो ये दो डिजिट को अलग रखते हैं। 6 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो क्या करेंगे, 623 में हम लोग क्या माइनस करेंगे 7। तो अगर हम लोग इसमें 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 616। अब बच्चों ये टू डिजिट को अलग रखा था हमने, तो इसमें माइनस करेंगे 9 का, इसमें माइनस करेंगे 10 का। सो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। ये आपका आंसर है। क्लियर हो रही है आप लोगों को चीजें? तो ये है आप लोगों का होमवर्क। तो बच्चों इसकी थोड़ी सी आप लोगों को प्रैक्टिस लगेगी, अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के साथ। बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू।